अन्यथा कभी कभी हमारे यहाँ लोग इस बात को अनदेखा करते हैं और आगे चल के गुर्दे में उसकी वजह से इतनी सूजन हो जाती है कि बाद में चल के उस गुर्दे को निकालने की भी आवश्यकता पड़ जाती है, जो कि मरीज के लिए कहीं ना कहीं कष्टकारी हो। मैं डॉक्टर श्वेतांग मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और यूरोन्कोलॉजिस्ट हेरिटेज हॉस्पिटल में पिछले 8 साल से कार्यरत हूँ। आज मैं आपको स्टोन सर्जरीज के बारे में एक ब्रीफ वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टोन सर्जरी में हमारे पास में आज की डेट में क्या उपलब्ध प्रोसीजर्स हैं और उसमें हम क्या करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, किडनी में स्टोन या यूरेटर में स्टोन यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे जैसे भारतवर्ष देश में जहाँ की 8 महीने गर्मी पड़ती है, वहाँ पर स्टोन की यह संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टोन की सर्जरी में जो समस्याएं आती हैं उन सबसे हम भलीभांति परिचित हैं, जैसे कि पीठ में पिछले हिस्से में दर्द होना, पेशाब के रास्ते में जलन होना या खून आना, या कभी कभी ऐसे में इतना सीवियर पेन होता है कि मरीज को रात बिरात इमरजेंसी में आके इंजेक्शन भी लगवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो स्टोन की यदि डिजीज़ रहे तो उसको अनदेखा न करें। सामान्य तौर पर यदि छोटे स्टोन होते हैं जिनका साइज 5 mm, 6 mm से कम रहता है, वह सामान्य रूप से दवाइयों के माध्यम से पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। किंतु वह स्टोन जो कि साइज में बड़े होते हैं, जिनका साइज 8 mm, 9 mm से ज़्यादा होता है, यूरोलॉजिस्ट द्वारा स्टोन को निकालने की सर्जरी करनी पड़ती है। पहले के समय में यह सर्जरी चीरा के द्वारा किया जाता था, पर आज के आधुनिक युग में यह सर्जरी स्पूर्णतया दूरबीन विधि द्वारा की जाती है। यदि यह पथरी किडनी में होती है तो इसको पीठ के पिछले हिस्से से दूरबीन विधि द्वारा उस पथरी को निकाला जाता है। उस पद्धति को PCNL कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी होता है। PCNL में भी हमारे पास में अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि हम बहुत ही छोटे इंसीजन से, जिसका कि साइज़ कभी कभी 1 cm या उससे भी कम होता है, उतने छोटे हम इंसीजन से जाके पीठ के पिछले हिस्से से दूरबीन द्वारा पथरी को निकाल देते हैं, जिसके हम अपनी मेडिकल भाषा में मिनी PCNL कहते हैं, अब या मिनी परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी कहा जाता है। यदि पथरी गुर्दे से सरक के पेशाब की नली, जिसको अंग्रेजी में यूरेटर कहा जाता है, उसमें आ जाती है, तब इस विधि में भी दूरबीन द्वारा स्टोन को निकाल लिया जाता है, जिसको कि URS पद्धति कहा जाता है, यूरेट्रोरिनोस्कोपिक सर्जरी उसको कहते हैं। इसलिए आज के समय में जब भी पथरी हो उसको अनदेखा न करें, तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करके उस पथरी को दूरबीन विधि द्वारा ज़रूर निकलवाएं। अन्यथा कभी कभी हमारे यहाँ लोग इस बात को अनदेखा करते हैं और आगे चल के गुर्दे में उसकी वजह से इतनी सूजन हो जाती है कि बाद में चल के उस गुर्दे को निकालने की भी आवश्यकता पड़ जाती है, जो कि मरीज के लिए कहीं ना कहीं कष्टकारी होता है। इस वजह से गुर्दे की पथरी को या गुर्दे की नली की पथरी को, यूरेटर की पथरी को कभी भी अनदेखा न करें। और आज के समय में जहाँ हमारे पास अत्याधुनिक उपकरण हैं, जिसमें कि कोई भी चीरा वगैरह नहीं लगता है, उसका आप उसका फ़ायदा लें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और इसमें फ़ायदा यह भी रहता है कि आपको इसमें ऑपरेशन के बाद में आपका पेन बहुत ही कम रहता है या ना के बराबर रहता है, और 24 से 48 घंटे बाद आपकी अस्पताल से छुट्टी भी हो जाती है और आप 5 से 7 दिन के बाद में अपना रेगुलर काम धाम पे, अपने ऑफिस वगैरह भी आराम से जा सकते हैं। इसलिए गुर्दे की पथरी को अनदेखा ना करें, खूब ज़्यादा पानी पिएं, खासकर इस समय जिस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टारगेट रखें कि हम 2.5 से 3 लीटर के आसपास ज़रूर पानी का सेवन करें। धन्यवाद।